इन्वेस्ट किए, उन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पैसा लगाया। तो पूरा एक सिस्टम है, जब फर्स्ट क्लास सिस्टम में पैसा आया, बेस्ट कोचेज आए, बेस्ट फिजियोज आए, बेस्ट ट्रेनर्स आए दुनिया के। और इससे ये भी पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया को कि इनके यंगस्टर्स वर्सेस भारतीय यंगस्टर्स में अब बहुत फर्क पड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया का घंटा बज चुका है, ये जो बड़े फन्ने हम मान रहे थे ना, इनको बजा दिया। आज टीम इंडिया ने लो स्कोर करके भी ना, मतलब 200 नहीं किया, 200 से कम किया है, 125 किया है, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को पैक करके इनका घंटा बजा दिया है। तो जनाब चौथा T20 मैच भी इंडिया की टीम ने जीत लिया है और ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने T20 सीरीज में 3-1 से शिकस्त दे दी है। The young Indian side, they play from the start and they won the first two matches against a much stronger Australian team. So their performance today was outstanding again. And ये जो बंदा है, जो डायनामाइट पॉकेट है ना, जिसका नाम है रिंकू सिंह, यार फिर बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल गया आज। 3-0 से सीरीज अपने, 3-1 से सीरीज अभी अपने नाम कर ली है। आखिरी मैच परसों होगा और सबसे बड़ी चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया को नानी याद करवा के रख दी आज इनकी टीम ने। और आज जो बड़ी कमाल की इंडिया की जनब से पहले बैटिंग और उसके बाद बड़ी कमाल की जो बॉलिंग देखने को मिली है, खास करके इंडिया के स्पिनर्स रवि बिश्नोई और साथ में अक्षर पटेल, ऐसा लग रहा था कि कोई बैटर इनको खेल ही नहीं सकता। रवि बिश्नोई की 1 विकेट और अक्षर पटेल की 3 विकेटों ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जो कमर है ना वो तोड़ के रख दी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस समय भारत के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है। बताते चले कि कल के मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है। बताते चले कि इस टीम में कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भारतीय यंग टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया और सीरीज अपने नाम कर ली। टीम इंडिया के स्टार फिनिशर रिंकू सिंह ने एक बार फिर से जलवा दिखाया। बताते चले कि रिंकू सिंह ने 46 रनों की शानदार इनिंग खेली और वो भी उस वक्त खेली जब टीम इंडिया को सबसे ज़्यादा जरूरत थी। इसके अलावा टीम इंडिया के स्टार स्पिनर अक्षर पटेल ने भी कल के मैच में शानदार गेंदबाजी की और 3 विकेट अपने नाम किए। बताते चले कि उन्होंने केवल 4 ओवर में 16 रन दिए और ऑस्ट्रेलियाई टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर डाल दिया। भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडियन यंग टीम को देखकर ऐसा लगता है कि इंडियन यंग टीम और बाकी जो यंग टीमें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यही रीज़न है कि भारतीय यंग टीम किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलती है तो उसे आराम से हरा लेती है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि भारतीय यंग टीम में जो टैलेंट है वो किसी और कंट्री के पास नहीं है, या यूं कहें कि भारत के पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो किसी और कंट्री के पास नहीं है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की शानदार जीत को लेकर क्या कहा है। ये जो बंदा है, जो डायनामाइट पॉकेट है ना, जिसका नाम है रिंकू सिंह, यार फिर बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल गया आज। और मतलब यार व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज दैट यू नो ही रिमाइंड्स मी सो मच ऑफ जैसे ऑस्ट्रेलिया का माइकल बेवन था, हाइट में नहीं लेकिन वैसे जिस तरह खेलता है वो, जैसे माइकल बेवन था। वेस्टइंडीज एक लैरी गोम्स हुआ करता था। ये अच्छा, सारे इत्तेफाक से लेफ्ट हैंडर तीनों, और इन तीनों में एक जो कॉमन चीज है ना, दे ऑल वेरी गुड फिनिशर्स। दे डेवलप दिस आर्ट टू फिनिश आउट मैचेस, देन दे डेवलप दिस आर्ट टू यू नो लाइक क्राइसिस सिचुएशन में किस तरह से टीम को संभालना है। तो इन दैट सेंस ये रिंकू सिंह मुझे बहुत मतलब ही इज इंप्रेस्ड मी अ लॉट यार। और बेवन के बारे में भी ये था कि ही इज टू फिनिश आउट मैचेस फॉर ऑस्ट्रेलिया, जबकि वो बड़ी स्टार स्टडेड ऑस्ट्रेलियन टीम में वो खेलता था। फिर सेकेंडली जैसे गोम्स था, वो तो इतनी स्ट्रांग वेस्ट इंडीज टीम थी, लेकिन जिसमें ग्रीन एज और हेन्स और क्लाइव लॉयड वगैरह हुआ करते थे, विव रिचर्ड्स होता था, उसमें भी वो बड़ी अच्छी अच्छी इनिंग्स खेल गया वो। तो आज रिंकू सिंह जिस तरह खेला है ना, और जो चीज इसमें अच्छी जो मुझे नजर आई है रिंकू में, वो ये कि बिकॉज ही इज ऑल्सो प्लेड अ लॉट ऑफ लिस्ट ए क्रिकेट एंड डोमेस्टिक क्रिकेट, ही इज गॉट द एबिलिटी टू मतलब एक्सेलरेट व्हेन ही वांट्स टू एक्सेलरेट। बहुत अच्छे सीधे हिट्स मारता है, और जहां जरूरत है अप्लाई करने की अपने आप को, पेशेंस से खेलने की, मतलब ऑल दीज थ्री, लैरी गोम्स, बेवन एंड दिस फेलो रिंकू, और भी हैं ऐसे दूसरी कंट्री से, लेकिन दीज थ्री वर वेरी प्रोमिनेंट इन दिस सेंस।
इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा दी है। जी हाँ, अभी अभी थोड़ी देर पहले इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई है, T20 सीरीज हराई है। क्रेडिट जाएगा सबसे पहले अक्षर पटेल को, क्रेडिट जाएगा बाकी बॉलर्स को जिन्होंने सही टाइम के ऊपर आके, क्रूशियल टाइम के ऊपर आके अच्छी बॉलिंग की और अपनी टीम को बचाया। लेकिन इस पूरी सीरीज के अंदर कोई और चले ना चले, लेकिन एक बंदे ने इंडिया को हर मैच के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाई, उसका नाम है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने आज भी परफॉर्मेंस करके दिखाई, रिंकू सिंह ने आज भी बल्ले से परफॉर्मेंस करके दिखाई, रिंकू सिंह ने आज भी रन किए। ये बंदा ऐसा लगता है भाई कि लिखवा के लाया हुआ है कि भाई मैंने हर मैच में जाना है, भाई जाके जो है वो कमाल करना है। और इसकी मेहनत भी कम नहीं है, जिस तरह से इसने स्टार्ट किया और फिर यहां तक पहुंचा एक मिडिल क्लास लड़का, तो मेहनत जो है इसकी है ना वो रंग ला रही है। और आज आप देखेंगे 46 स्कोर, 29 बाले, 4 चौके, 2 छक्के, 158 का स्ट्राइक रेट। जितेश शर्मा यार, तो आप देखें कि आते साथ इस लड़के ने जो आज कमाल नहीं कर दिया है, क्या कमाल की जो इसने बैटिंग किया, 3 छक्के इसने लगा लिए और 1 जो इसने चौका लगा लिया आज, जो कमाल की इसने बैटिंग किया है। कोई इसे फिक्र नहीं थी कि यार मैं टीम से बाहर हो सकता हूँ, अगर जल्दी आउट हो गया। आप देखें 19 बाले, 35 स्कोर, 1 चौका, 3 छक्के, 184 का स्ट्राइक रेट। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम का फैन बन चुका है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि इस मैच में जितेश शर्मा ने इस सीरीज का डेब्यू किया और उन्होंने भी 35 रनों का शानदार योगदान दिया। उन्होंने यह बता दिया है कि जब भी उन्हें टीम इंडिया में मौका मिलेगा तो वो तेज तर्रार पारी खेलकर टीम इंडिया को एक अच्छा फिनिश दिलाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि भारत की शानदार जीत को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत ने अपने फर्स्ट क्लास में इतना पैसा खर्च किया है, यही रीजन है कि जब भी उसमें से कोई भी प्लेयर निकल कर आता है तो वह टॉप नॉच का प्लेयर होता है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके सीखता नहीं है, वो पहले से ही सीख के आता है। कुल मिलाकर पाकिस्तानी मीडिया भारत के यंग टैलेंट से काफ़ी इम्प्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताते चले कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है और वो अभी से ही डरने लगी है। बताते चले कि पाकिस्तानी टीम को 3 मैचों की ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलनी है और केवल इंडिया ही एक ऐसी टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी हराया हुआ है। कुल मिलाकर इंडिया की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि इंडिया के कोई भी बड़े प्लेयर नहीं भी हों, फिर भी इंडिया किसी भी बड़ी टीम को टफ टाइम दे सकती है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।